हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉग सेशन। लॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज सीन दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक द लास्ट 4 to 5 ईयर, एवरी ईयर द वन फिक्स्ड क्वेश्चन केम फ्रॉम लॉग। सो दैट्स व्हाई लॉग बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट गिव्स अस वन फिक्स्ड क्वेश्चन एंड वन क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। So I am telling you two three important things you should keep in mind while solving the logarithm problem. The first things, you do not have to think out of the box. It means that the law and formula, the law and formula of log, उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। लाइक वी डू नॉट हैव टू थिंक लाइक द वे वी थिंक इन अर्थमेटिक कि कुछ भी प्लस माइनस इधर उधर वी डू, बट इन लॉग वी डू नॉट हैव टू डू सच थिंग्स। बिकॉज अगर बाय द वे लॉग 2 प्लस लॉग 3 है तो कितने लोग लॉग 5 लिखते हैं, डेट इज अ रॉन्ग। यहाँ पे हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। सो देर इज अ सर्टेन रूल एंड फॉर्मूला वी हैव टू फॉलो इट those rule and formula while solving the question. So in this particular video we will get to know the rule and formula and we will solve a 1 to 2 question. But in the next video we will practice the question and we will get to know the application of the formula and the law and rule. So stick with the video and continue with our discussion. So let's know where log define. So first we have to know where log define. So this is, and this is said that log b to base a, log b to base a, and where it is defined. So b should be greater than 0. A not should be, must be. A must be greater than 0. B must be greater than 0. Also, A must be greater than 0. And A must be not equal to 1. This is the condition of log where log satisfy. So this should be learn or मतलब याद कर लो वट एवर। सेकेंड आते हैं log 0 नॉट डिफाइंड। log 0 नॉट डिफाइंड। वी कुड हैव रिमेम्बर दिस थिंग्स बाई टेकिंग एग्जाम्पल लाइक log 0। इट वी कैन से इट लोगो लोगो। तो लोगो का काम है कहना एंड वी हैव टू इग्नोर सच टाइप्स ऑफ लोगो। तो लोगो इग्नोर मतलब नॉट डिफाइन। थर्ड log 5 नॉट डिफाइन। वाई इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज आवर द वेरी फर्स्ट कंडीशन इट इज दैट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज द बी वैल्यू। सो बी इज -5। सो हाउ कुड log -5 define? So it is not defined. I hope these three things is clear. The basic law of log is clear to you. Now we are moving to the formula of log. So formula of log. The first formula of log, like log a b equal to log b by sorry log a, log b by log a। एंड सी गाइज, लॉग जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 है। वाई नॉट इक्वल टू 1 ये होता है बिकॉज आपको आगे पता चलेगा कि log 1 जो होता है वो 0 होता है। सो अगर सपोज कि अगर 5/0 हुआ जो डिनोमिनेटर में 0, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होता ना। सो दैट्स वाई जो बेस का वैल्यू है लॉग
बेस वैल्यू वो नॉट इक्वल टू वन होता है। सो यहाँ पे वन नहीं होगा, मतलब जो बेस है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फॉर्मूला को ही रॉन्ग कर देगा। आई होप आपको लॉ जो बेस है नॉट इक्वल टू वन है, क्यू नॉट इक्वल टू वन होता है, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड फॉर्मूला, लॉग ए टू बेस ए इक्वल टू वन। ये सारे फॉर्मूला आप एक नोटबुक में लिख लेना एज अ नोट्स, एंड आप इसको लर्न कर लेना। द थर्ड फॉर्मूला, लॉग बी ए वन बाई लॉग ए टू बेस बी, द चेंज ऑफ बेस। तो अगर हम चेंज करते हैं बेस, फिर रेसिप्रोकल हो जाता है लॉग। सो फोर्थ इज, सेकेंड फोर्थ इज लॉग एम इंटू एन इक्वल टू इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। बेस ए ले लेते हैं, फॉरगेटन टू टेक बेस। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, लॉग ए एम बाई एन, मीन्स लॉग एम बाई एन टू बेस ए इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। सिक्स फॉर्मूला, लॉग ए एम टू द पावर एन, एम टू द पावर एन बेस ए। सो द जो पावर होता है वो साइड में आ जाता है, मल्टीप्लाई में मतलब। तो लॉग एम टू बेस ए, ये सभी चीजें इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये लगे कि यार इसको कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, सब हम लोग सीखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। ये सारे एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएंगे, एंड आपको फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे इस चीजों का एप्लीकेशन करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, सेवेंथ नंबर इज ए टू द पावर लॉग बी बेस ए इक्वल टू बी। एट ए पावर लॉग बेस बी सी इक्वल टू सी लॉग बेस बी ए टू बेस पी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड स्वैप फॉर्मूला, स्वैप फॉर्मूला। एंड आई थिंक इन कैट 2020 द वन क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई करना था क्वेश्चन सॉल्व, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला डिराइव होता है। कैसे डिराइव होता है, जैसे ए लॉग सी टू द बेस बी इक्वल टू सी, सॉरी ये पावर में आएगा यार, वन सेकेंड, ये पावर में सी टू द पावर ए बेस बी विच इज सी। तो देखो यहाँ पे हम लोग, ये यहाँ पे सी था जिसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, मतलब यहाँ पे। सो बी ये हो जाएगा कैसे, बी पावर ए बाई ए, और हमने देखा था ए बाई लॉग ए टू बेस ए इक्वल टू वन। सो यहाँ पे हो जाएगा बी बी टू द पावर वन, सो दैट्स वाई बीज मतलब ड्राइव हुआ है। सो ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी और कुछ फॉर्मूले हैं जो इनइक्वालिटी, जो लॉग इनइक्वालिटी पे होते हैं, वहाँ पे कुछ होते हैं, बट उसको हम एक अनदर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई फॉरगॉट टू रिटेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लाइक लॉग बी टू बेस ए इक्वल टू एक्स
सो द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो अ दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस वन. सभी तो इंपॉर्टेंट ही होगा यार, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको लर्न करो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे लास्ट ईयर आई थिंक क्वेश्चन आया था मेरे ही स्लॉट में, 2022 में आई थिंक मेरे स्लॉट में क्वेश्चन आया था लॉग का, जो इस फॉर्मूला पे था. आई थिंक आई एम रिमेम्बरिंग करेक्ट, आया था एक फॉर्मूला. सो इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे ए को ऐसे उड़ाते हुए लेके जा रहा है, मतलब बी जो ये बेस है उड़ाते हुए तो ऊपर लेके जा रहा है, इसको ऐसे हम लोग याद रखते हैं कि उड़ाते हुए लेकर ऊपर जा रहा है. तो ये हो गया. सो ये 9 फॉर्मूले जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. और भी कुछ कुछ चीजें लॉग में होती है, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ लीडिंग जीरो, नंबर ऑफ लीडिंग जीरो, नंबर ऑफ डिजिट. सो ये सभी चीजों को ना हम लोग अनदर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो सारे चीजें सारे थी अगर एक में डिस्कस करें ना सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. एंड आई नो दैट कि यू गाइज आर नॉट लाइकिंग द लॉन्ग वीडियो. सो दिस इज द ऑल टोटल फॉर्मूला एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2-3 क्वेश्चन वेयर वी कैन अप्लाई सम ऑफ द फॉर्मूला. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक लेट्स लॉग 2 बेस इक्वल टू नो नो लॉग नॉट टू लेट्स सपोज एक्स इक्वल टू 5. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच, 10 to the power 5, 10 to the power 5. दिस फॉर्मूला लॉग एक्स टू बेस 10 5 उड़ाते हुए लेके जाना. एक और एग्जांपल लेते हैं, लॉग ए टू बेस 10, सॉरी लॉग ए टू बेस 2 इक्वल टू 10. सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power 10, दैट इज 1024. 9th नंबर पे इस पे आया. अब आते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं. सो और कुछ एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट कि लॉग बेस 2 लॉग, ये देखो ये कैसा है, लॉग लॉग 2 बेस 2, इसका बेस 3, लॉग 4, लॉग 5 एक्स इक्वल टू 1. तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कैट में आए हुए हैं, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स, सो बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स. अब देखो ये बेस है और ये समझो कि ऐसे है, ये पूरा ब्रैकेट में हो गया, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट में हो गया, मतलब एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड गाइज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. कंफ्यूजन हो तो बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम है. सो लेट सपोज लॉग 3, ये हो गया लॉग 4, छोटा ही लेते हैं ज्यादा लंबा नहीं, ये हो गया बेस इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. सो देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे सोचो ये बी, तो ये पूरा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, यहाँ पे ये समझ लो एक्स हो गया. तो जो बी यहाँ पे इतना हुआ, इट मीन्स दैट लॉग 3 बेस में
लॉग एक्स टू बेस फोर इक्वल टू, ये टू पुराते हुए, सो टू टू जो पावर टू इक्वल टू फोर। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, सो लॉग एक्स टू बेस फोर इक्वल टू पुराते हुए, सो थ्री टू द पावर फोर, थ्री टू द पावर फोर इज हाउ मच 81। सो यहाँ पे अब आते हैं एक्स इक्वल टू फोर टू द पावर 81। वेरी बेसिक, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, जस्ट ये रूल अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 15-20 क्वेश्चन, और वहां पे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा द अप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला। बिकॉज ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे हम अप्लाई करें, या फिर आप खुद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको खुद से एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है? नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कशन करेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक टुमारो, टुमारो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, सो वेट फॉर द टुमारो। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू।